झारखंड के मंत्रीगण से और मिथिलेश ठाकुर को आप सुन पा रहे हैं। ज्यादा ही हो जाएगा कहना, क्योंकि 61,28,000 की हमारी ग्रामीण आबादी है और उसमें हम लगभग 4.25 लाख घरों तक पहुंच पाए थे। और आज जो स्थिति है कि हमने जैसे ही सत्ता संभाली, हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे विपत्तियां आई। एक तो पिछली सरकार का देन था कि खजाना खाली कर रखा गया था। ऐसी स्थिति थी कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे सरकार के कोषागार में नहीं थे। और यहां सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय मीडिया के सामने ये कहा था कि हम ऐसी परिस्थितियों से विचलित नहीं हैं, हम परिस्थितियां अनुकूल कर लेंगे। और प्रत्येक क्षेत्र में जो वादे हमने जनता से किए हैं और जिन वादों को पूरा करने के लिए जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी, हम उन जिम्मेदारियों को भली भांति अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए हम उनको निभाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा, एक थोड़ा उसको ब्रीफ करने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद एक तो हमारी आर्थिक स्थिति डवाडोल थी, साथ साथ एक और आ गया, एक महामारी आई जो पूरी विश्वव्यापी महामारी कोविड। उस समय भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त था। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, बावजूद इसके जिस तरह का मैनेजमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया, उसकी पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सराहना हुई। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें आमंत्रित किया गया व्याख्यान देने के लिए कि आपने ऐसे इतने सीमित साधनों संसाधनों में कैसे इतना अच्छा मैनेजमेंट किया कि जीविका भी बची रही और जीवन भी बचा रहा। लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों से जब ये कहा जाता था, एक जुमला हुआ करता था कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिखाया। जो दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे मजदूर भाई लोग फंसे हुए थे, लोग जो रोजी रोजगार के लिए गए थे, हवाई जहाजों से यहां लाने का काम किया। और 2 साल हमारा इसी जद्दोजहद में बीता जी। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारियां थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमेशा हमेशा निर्देशित करते रहे कि कोविड का संक्रमण काल चल रहा है, लेकिन आप लोग बैठे नहीं। आजकल पेन पेपर का जमाना नहीं है। सवाल हम इनसे ले लेते हैं, मैं एक मिनट में कंक्लूड कर देता हूं, एक मिनट में कंक्लूड करता हूं। मैं वास्तविक आपके जो प्रश्न थे उसकी ये भूमिका थी, लेकिन ये आज की जो स्थिति है वास्तविक स्थिति। आपने कहा कि शुद्ध पेयजल के मामले में, मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम 34% घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और संख्या लगभग 20 लाख की संख्या, 61,28,000 में 20 लाख घरों तक हम शुद्ध पेयजल पहुंचा चुके हैं। और हमने जो कार्य योजना बनाई है और जो योजनाएं हमारे धरातल पर उतर चुकी हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द 2024 के अंत तक नहीं भी हो पाए तो हम 2025 तक सभी घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा देंगे। ये आपके माध्यम से हम जनता को आश्वस्त कराना चाहते हैं।